अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आपसे भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई। अब इस वीडियो में आपके साथ चलूँगा सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़, ज़रूरी अपडेट। और जैसे कि आपको पता है, इंडिया से दुबई होते हुए अभी आप सऊदी अरब में आते हैं तो आपको दुबई में 14 दिन का क्वारंटाइन रहना होता है। तो क्या आखिर ये ज़रूरी है आप वो 14 दिन होटल में ही गुजारिए या कहीं और जगह भी रुक करके आप सऊदी अरब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल भी आए हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा उर्दू न्यूज़ का स्क्रीन शॉट है, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर पिछले एक हफ्ते में जो कि 16,466 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ मेरे भाई, ये वो लोग हैं जो लोग सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से जो कि रह रहे थे, जिनका इकामा एक्सपायर हो गया था, जो लोग कफील से भागे हुए थे, जिनका हरूब लगा दिया था कफील ने, और जो लोग बॉर्डर पार करके आकर के सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से जो कि काम कर रहे थे। ये बात पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। जी हाँ मेरे भाई, अगर इस तरीके का कोई भी लोग अगर सऊदी अरब में अभी है, हमारा वीडियो अगर आप लोग अगर देख रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके मेरे भाई आप लोग कफील से जो कि सुलह कर लीजिए। जिनका एकामा मान लो अगर ख़त्म हो गया, कफील से आप लोग अगर भागे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर, तो कफील से आप लोग सुलह कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दी हूं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं। तो आपको ये पता होगा, जैसे कि कोई मॉल में अगर आप जाते हैं या कहीं बकाले पे जाते हैं, कोई शॉप पर जाते हैं, तो विकलांग के लिए एक पार्किंग छोड़ा जाता है। तो उस जगह में पहले आप मान लो अगर गाड़ी खड़ा करते थे तो आपको 200 से 400 रियाल तक आपको फ़ाइन पहले आता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको 500 से 900 रियाल तक आपको जुर्माना आ सकता है। जी हाँ मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए भी अगर आप गाड़ी खड़ा करते हैं इन पार्किंग में, तो आपको समझिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग बच के रहिए। चलिए इसी के साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि इसका भी मैं स्क्रीन शॉट लगा दें, जो कि तवक्कलना के हवाले से अपडेट आया है। जैसे कि आपको पता है, मान लो अगर सऊदी अरब से जो लोग आए हैं इंडिया में, पहले लोग न्यू अकाउंट बना लेते थे इंडिया के अंदर, जो कि तवक्कलना का, यानी जिनका सिर्फ अपने कमर नंबर डाल देते थे, उनका बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देते थे, कोई सा नंबर, उनमें एक ओटीपी आता था, ओटीपी बना करके लगा करके जो कि तवक्कलना बना लेते थे इंडिया के अंदर, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जी हाँ मेरे भाई, न्यू अकाउंट खासतौर करके अभी आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको अफसर बनाना होगा, जो कि सऊदी अरब में ही बनता अफसर। अफसर बनाने के बाद, जो अफसर बनाते समय आपको एक मोबाइल का नंबर खास तौर पर देना पड़ता था, और उस मोबाइल का नंबर से ही आप जो कि सब चीज़ करते थे, जो कि सऊदी अरब में जो लोग हैं खासतौर पर उनको पता है तवक्कलना किस तरीके से बनता है पूरा उनका, यानी पहले अपना जाकर के अफसर अकाउंट बनाओ, अफसर जाके खुला के आओ, उसके बाद फिर आप तवक्कलना में जाकर के अपना जो भी आपका होता है उनमें डाटा आप जो कि डाल सकते थे, उनके बाद जो कि तवक्कलना आप खोल सकते थे। लेकिन अभी मान लो अगर सऊदी अरब से अभी आप इंडिया में हैं, बाहर मुल्क में आकर के फंसे हैं, तो अभी आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो न्यू तवक्कलना बनाने के लिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि खास तौर की अपडेट आया था, हमने सोचा आप सारे भाई को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अब इस टाइम जो कि इंडिया में, जिनका तवक्कलना नहीं बनता था या जो नहीं बना पा रहे थे, अभी आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ट्राई नहीं कीजिए, क्योंकि आपका बनेगा ही नहीं इस टाइम। जी हाँ मेरे भाई, चलिए इसी के साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि सऊदी अरब का कोरोना का अपडेट है, जो कि 18 सितंबर का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 68 न्यू केस निकले हैं, 70 रिकवरी हुई है, 5 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस मक्का में 20 केसेस, रियाद में 17 केसेस, ईस्टर्न में 7 केसेस, मदीना में 5 केसेस, असर में जो कि 4 केसेस निकले हैं, जजान में 3 केसेस, अलकसीम में 3 केसेस, ताबुक में 3 केसेस, नॉर्दर्न बॉर्डर में 2 केसेस, अलजौफ में 2 केसेस, और नजरान में जो कि खासतौर पर 1 केसेस निकले हैं, और हायल में भी 1 केसेस आज सऊदी अरब के अंदर निकले हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी में कोरोना समझ तो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा, थोड़ी सी अब बची है। बाकी एक्टिव केस भी आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर, जो कि 2373 जो कि एक्टिव केस अब सऊदी में बचे हैं। बाकी जो आईसीयू में रखा गया उनको भी आप देख सकते हैं, 361 केस जो कि आईसीयू में रखा गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना को लेकर के समझे तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, 1-2 हफ्ता आप लोग इंतज़ार कीजिए, उसके बाद सऊदी अरब में आपको समझे तो कोरोना मिलेगा ही नहीं, थोड़ी बहुत आपको मिलेगा, जो कि 10-20-30 केस इस तरीके से जो कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना मिलेगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना को लेकर के बहुत ही अच्छी अपडेट है।
चलिए इसी के साथ और भी बातें आप लोगों से कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ख़ासतौर के दुबई होते हुए अभी आप लोग सऊदी अरब आते हैं और बहुत सारे लोग जो कि इस टाइम आने के लिए सोच रहे थे। एक भाई का कमेंट आया था कि क्या हम अगर दुबई होते हुए जो कि सऊदी अरब अभी आने के लिए सोच रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम होटल में ही 14 दिन गुजारे या कहीं और जगह भी रुक करके, जैसे कि हमारा वहाँ पर भाई है या दोस्त हैं उसका रूम पर रुक करके भी हम सऊदी अरब में जा सकते हैं। तो पहली बात मेरे भाई, ये सब चीज़ आपको करने के लिए खुद से आपको सब चीज़ यानी ये सब काम अपना हाथ से करना होगा, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आपको काम नहीं करवाना होगा। अगर सब चीज़ आप लोग खुद से अगर कर लेते हैं उसके बाद आप दुबई में जाते हैं कहीं पर भी अगर आप लोग रुकते हैं तो सबसे पहले आपके पास पूरा सबूत होना चाहिए। उसके बाद कहीं पर अगर आप लोग रुकते हैं अच्छे से तरीके से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि मान लो अगर कोई भाई है कोई दोस्त है अच्छे से जो कि रह करके आप 14 दिन वहाँ पे गुजार सकते हैं। गुजार करने के बाद जो कि PCR टेस्ट होगा, PCR टेस्ट होने के बाद जो कि सऊदी अरब के लिए आप आ सकते हैं। खैर इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था, हमने सोचा आप सर भाई को बता दो, क्योंकि दुबई होते हुए इस तरीके से अगर आप लोग आते हैं तो आपको समझिए तो बहुत ही कम पैसे लगेगा, बहुत ही कम खर्चा होगा। इस तरीके से अभी आप लोग आ सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जी हाँ मेरे भाई, तो खैर उम्मीद होगा आपको सारा बात डिटेल से मैं समझ में आ गया होगा। तो आज का खबर यहीं तक है, बाकी अगली अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके का खबर और भी आपको अगर देखना है तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो।